माय मदर इज हिंदू, माय फादर इज मुस्लिम, ओके, मैं अपने आप को इंसान बुलाता हूँ, ह्यूमन बीइंग। हम सिर्फ मानना चाहे इंसानियत, हम मानना चाहे ह्यूमैनिटी, लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूं ये किताब इंसानियत किसने लिखी? क्या पाते कोई किताब जिसका नाम इंसानियत है? इस्लाम में एक मुसलमान अच्छा मुसलमान हो ही नहीं सकता तब तक जब तक वो अच्छा इंसान नहीं। अगर मुस्लिम अच्छा इंसान नहीं तो मुस्लिम हो ही नहीं सकता। अच्छा इंसान होना बहुत जरूरी है। आप कह रहे हैं कि स्कूल 10th स्टैंडर्ड पास करो, मैं कह रहा हूं ग्रेजुएशन करो। तो इंसानियत इज 10th स्टैंडर्ड, इस्लाम इज ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन एकदम। इस किताब कुरान में आप एक भी आयत नहीं दिखा सकते जो इंसानियत के खिलाफ है। मैं जानता हूं कई दुश्मन इस्लाम, क्रिटिक्स ऑफ इस्लाम ने किताबें लिखी इस्लाम के खिलाफ, क्योंकि उन्हें इस्लाम का इल्म नहीं है। कुरान मजीद की एक भी आयत आप मुझे दिखा नहीं सकते जो इंसानियत के खिलाफ है। वो इंसानियत के बारे में ही कह रहा है। आप अगर जाएंगे कोई जंगल में और आप फल खाना चाहते, आपको पता नहीं कौन सा फल जहरीला है क्या नहीं, तो आप पूछेंगे ना किससे? किससे तो पूछेंगे भाई कौन सा जहरीला है क्या नहीं। आप खुद अगर कोशिश करेंगे तो बहुत जल्दी आप गलत फल खा के मर जाएंगे। आप जब बीमार होते जाते डॉक्टर के पास, सही? तो इसी तरीके से अल्लाह सुबहाना व तआला खुदा ने इंसानों को बनाया है। खुदा से बेहतर कौन जानता है जिंदगी किस तरीके से जीना चाहिए? खुदा दुनिया के सबसे बड़े डॉक्टर, सारे डॉक्टर को इकट्ठा करेंगे, उससे बड़ा डॉक्टर है हमारे बनाने वाला। तो हमें यह तहकीक करना चाहिए कि हमारे बनाने वाला, हमारा खालिक, हमारा खुदा किस तरीके से जिंदगी हमें चाहता है कि गुजारे। तो मैं ये कहता हूं कि आप कम से कम ये मानिए कि एक किताब, कम से कम एक किताब खुदा की तरफ से 100% सही है। हिंदू कहेगा मेरी वेदा खुदा की किताब है, ईसाई कहेगा बाइबल, मुस्लिम कहेंगे कुरान। फिर मैं कहता हूं जो चीज इन तीनों किताबों में यकसा है कम से कम उस पर तो अमल करो। जो इख्तिलाफ है, इख्तिलाफ होते हैं, मैं नहीं कहता हूं कि सारी चीजें यकसा है, इख्तिलाफ चीजों को बाजू रखो, कम से कम जो यकसा है उसके ऊपर तो अमल करो। जितने अहम मजाहब है दुनिया में सब में लिखा है कि खुदा एक है, बुत परस्ती हराम है, पैगंबर आने वाले है, आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, ये दुनिया एक इम्तिहान है आखिरत के लिए, कम से कम इसके ऊपर तो अमल करो। कम से कम हम आज वादा करें कि खुदा के अलावा किसी और की इबादत ना करे, एक खुदा की, बुत परस्ती ना करे, आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माने। सैकड़ों हवाले है वेदा में जिसमें लिखा है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आने वाले है, बाइबल में भी लिखा है। तो मैं ये कह रहा हूं कम अज कम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो मानो। इख्तिलाफ चीजों को बाजू रखो। तो मैं ये कहता हूं जो यकसा है, सबसे अहम यकसानियत खुदा एक है, बुत परस्ती मत करो, और आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे मानो और उसका कहना मानो। इतना अगर आप करेंगे तो इंशाअल्लाह इस दुनिया से नफरत हट जाएंगी और सिर्फ अमन रहेगा।